study material is of key significance if you are preparing for IAS. देखिए study material coaching institute कितना research करके लिख रही है, ये बहुत important होता है. आपको पता होना चाहिए कि class में जाने के पहले आपको क्या पढ़ना है. During the class जब teacher पढ़ा रहा है तो आपको क्या पढ़ना है और समझना है, और class जब खत्म हो गया उसके बाद जाके क्या पढ़ना है. लॉट ऑफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल आप डिफरेंट लोकेलिटीज में, आपको दिल्ली जैसे शहर में मिल जाएगा. यू डू यू थिंक इफ यू विल पिक अप वन ऑफ दो स्टडी मटेरियल एंड यू विल बिकम आईएएस? नो, इफ यू थिंक लाइक दैट यू आर फूलिंग योरसेल्फ. सो दैट आप पहले से पढ़कर आओगे, सो यू कैन अंडरस्टैंड बेटर. After the class, we'll give you the post-class notes. In that class notes, what we are doing is, we'll give you some kind of homework type questions also, so that you can revise it and after that, you can practice it through the questions. कहाँ कैसी तैयारी करनी है, किन चीज़ों पर अधिक ध्यान देना है, किन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, ये सारी चीज़ें यहाँ हमें मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं और हम यही उम्मीद कर रहे हैं जो यहाँ से वैसा गाइडेंस मिलता रहे, वैसा स्टडी मटेरियल मिलता रहे तो ये आगे अच्छा है. द स्टडी मटेरियल एट यूनिक इज सिंक टू योर क्लासरूम एंड वेरी मेटिकुलसली प्लान्ड. इट इज ब्रोकन डाउन टू थ्री पार्ट्स. पार्ट वन, द प्री क्लास स्टडी मटेरियल दैट यू आर एक्सपेक्टेड टू स्टडी बिफोर यू कम टू क्लास. पार्ट टू, द पोस्ट क्लास हैंडआउट्स that are bulletized versions and summaries of what you studied in class so that you can revise better, which also have your objective and subjective practice questions so that you're continuously practicing what you're studying. And finally, and a very important part, are the current affair handouts that you get on a regular basis, as well as special handbooks, suppose the India yearbook, the budget, and special supplements that are really, really pivotal in your preparation.